नमस्कार, मैं ललित। आज खबर राजस्थान के उदयपुर की। दरअसल मामूली बात पर इतना विवाद छिड़ा कि पूरा उदयपुर इसकी चपेट में आ गया। कहने को बात मामूली थी, लेकिन अब हालात ये हैं कि 15 थानों के पुलिस को शहर भर में तैनात करना पड़ा, क्योंकि इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ कर दी, आगजनी हुई है, दुकानें बंद करवाई गई हैं और तो और पथराव की घटना भी सामने आई है। हालांकि स्थिति अभी कंट्रोल में कर ली गई है, कह सकते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन हालात कंट्रोल में चल रहे हैं। इधर घटना के बाद हालात और ना बिगड़े, इस विवाद को कोई और रंग ना दे दिया जाए, इसके लिए इंटरनेट पर भी 24 घंटे के लिए बैन लगा दिया गया है। मामला जान लीजिए। दरअसल उदयपुर में शुक्रवार यानी 16 अगस्त को सरकारी स्कूल के दो स्टूडेंट के झगड़े के कारण तनाव हो गया। लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ कर दी, पथराव किया, एक गैरेज में खड़ी कारों को आग लगा दी गई। शाम 7 बजे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और इसके बाद कलेक्टर ने पूरे शहर में धारा 163 लागू कर दी। संभागीय आयुक्त ने रात 10 बजे से आगामी 24 घंटे तक नेटबंदी के आदेश भी जारी किए हैं। शांति बहाली की प्रशासन की कई कोशिशों के बावजूद देर शाम को दो पक्षों में पथराव हो गया। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद सभी लोगों को खदेड़ दिया। हालात तनावपूर्ण हैं। घटना सूरजपोल थाना इलाके में तकरीबन सुबह 10:30 बजे हुई। यहां राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल भट्टियानी चौहट्टा में एक स्टूडेंट ने दूसरे छात्र को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद नाबालिग आरोपी फरार हो गया। स्कूल के टीचर घायल स्टूडेंट को महाराणा भोपाल MB अस्पताल, इसे MB कहा जाता है, यहां पहुंचे, उसका इलाज चल रहा है। घटना में शामिल दोनों स्टूडेंट अलग अलग धर्म के हैं। मामले का पता चलते ही हिंदू संगठनों ने शहर के चेतक सर्किल, हाथी पोल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार, घंटाघर एरिया में दुकानें बंद करवा दी। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। कलेक्टर अरविंद पोसवाल बता रहे हैं कि नाबालिग छात्र को हिरासत में लेकर उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। एहतियातन पुलिस तैनात है। दोनों नाबालिग की उम्र तकरीबन 15 साल है। दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं। दोनों के बीच पहले क्या विवाद था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जब लंच हुआ तो दोनों के बीच स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ। इस झगड़े में एक स्टूडेंट ने दूसरे की जांघ पर चाकू से 2-3 वार कर दिए। घायल स्टूडेंट चिल्लाने लगा तो टीचर दौड़कर बाहर आए और बच्चे के परिजनों को जब घटना की जानकारी मिली तो वो MB अस्पताल पहुंचे। इतना ही नहीं, हिंदू संगठन के लोगों ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर नारेबाजी की, घटना को लेकर आक्रोश जताया। हॉस्पिटल में पुलिस का जाप्ता यानी पुलिस बल, पुलिस की टीम तैनात करनी पड़ी। प्रिंसिपल का कहना है कि लंच से करीब 5 से 7 मिनट बाद अचानक स्कूल के बाहर कुछ छात्र चिल्लाते हुए बाहर से अंदर आए। उन्होंने तुरंत बाहर जाकर देखा, वो हैरान रह गई। छात्र घायल अवस्था में था। स्कूटी पर बिठाकर अस्पताल स्टाफ ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। दोनों छात्र पढ़ाई में अच्छे हैं। इससे पहले दोनों को स्कूल में कभी झगड़ते हुए नहीं देखा गया, ना सुना गया। इस तरह की घटना ने हमें भी चौंका दिया। उदयपुर ASP सिटी उमेश ओझा ने बताया कि शहर में लगभग सभी इलाकों में पुलिस बल तैनात है। इसमें शहर के करीब 15 थानों का जाप्ता यानी बल लगाया गया है। पुलिस लाइन से भी अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। सभी पुलिस अफसर फील्ड में रहकर हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। धारा 163 की पालना करवाई जा रही है, उसे लागू कर दिया गया और लोगों से अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें। उदयपुर SP योगेश गोयल ने कहा कि घटना के बाद आक्रोश से उदयपुर में कुछ जगह पर तोड़फोड़ की, आगजनी की घटना हुई है। ऐसे इलाकों में पुलिस की टुकड़ियां और मोबाइल वैन जो होती है वो गश्ती कर रही हैं। पुलिस बल बढ़ा लिया गया है। SP ने कहा कि घायल बच्चे की स्थिति स्थिर है और उसमें सुधार भी हो रहा है। खून ज्यादा बहने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी। SP ने लोगों से अपील की है कि आमजन को किसी भी बातों में नहीं आना है, अफवाह में नहीं आना है। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो माहौल खराब करते हैं उनकी सूचना भी पुलिस कंट्रोल रूम में दें। झगड़े के सवाल पर SP ने कहा कि बच्चों की आपस की बातचीत से झगड़ा हुआ, स्कूल के छात्र ने स्कूटी से छोटा सा चाकू लाया, छात्र की जांघ पर मारा। तुरंत हमारी टीम ने चाकू मारने वाले को डिटेन भी कर लिया है। संदिग्ध भी पकड़े गए हैं, उन्हें भी पकड़ लिया गया है। तो कुल जमा इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपको एक बात समझ में आई होगी कि एक छोटी सी घटना ने पूरे उदयपुर को हिलाकर रख दिया है। एक बार हमारी भी आपसे अपील है, किसी तरह की अफवाह में ना आए, कानून को अपना काम करने दें। नमस्कार।